ശരി പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഉമേഷിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സന്ദേശം നൽകാനുണ്ട് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 6 മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നത് ഒരു സന്ദേശം നൽകാനുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിസംബോധന നമസ്കാരം कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं
जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं, यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है,
जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। दो गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं, मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് ജാഗ്രത കൈവിടരുത് എന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതുവരെ കാണിച്ച ജാഗ്രത തുടർന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ടുന്ന കാലമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്സവകാലം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതീവ ജാഗ്രത വേണം എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.